फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल और वेलकम बैक टू ड्रेस डिजाइनिंग कोर्स क्लास 33। और आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी टॉपिक के ऊपर है, जो कि है ऑर्गेन्जा फैब्रिक। तो ऑर्गेन्जा मटेरियल का सूट या फिर कोई भी ड्रेस कैसे बना सकते हैं आप, अभी मैं आपको सूट की कटिंग करना बताने वाली हूँ। इसी को फॉलो करते हुए आप किसी भी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग कर सकते हैं। इसका जो कपड़ा होता है ना, वो थोड़ा सा स्टिफ होता है और बहुत आसानी से एक जगह पे सेट नहीं होता। तो इसको कटिंग करने के काफी सारे टिप्स मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स भी इसको वेयर कर रहे हैं, दिखता बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लाइक बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए, ये है हमारी कुर्ती का कपड़ा और इसके साथ ही लाइनिंग का कपड़ा रिसीव हुआ है। इसी के साथ दुपट्टा भी है, वो भी ऑर्गेन्जा मटेरियल का ही है। और ये जो फैब्रिक मैंने लिया है, ये मैंने अमेजोन से लिया है। तो इस पर बहुत ही सुंदर सी कढ़ाई है और अप्रोक्स 800 रुपए के अंदर आपको ये सूट पूरा मिल जाएगा। ये इसी में आपको लाइनिंग भी मिलता है, इसी में आपको प्लाजो का फैब्रिक भी मिल रहा है, यानी कि 4 मीटर का कपड़ा है। तो अगर आपको लेना है, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डायरेक्टली आप वहां पे क्लिक करके परचेज कर सकते हैं अमेजोन से इसको। सो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इसको ये जो ऊपर वाला पार्ट है हमारा, इसको कटिंग करेंगे, क्योंकि इस ये हमेशा हम लाइनिंग के साथ ही बनाते हैं। इसका जो फैब्रिक होता है ना, बहुत ही ज्यादा ऐसा होता है, देखिए आर पार इसमें नजर आता है, तो इसमें हमेशा लाइनिंग लगती है। और ये है इसका आगे वाला पार्ट कुर्ती का, जो कि नेक पर ये डिजाइनिंग आएगा और पूरे में छोटी छोटी ऐसे बूटी है। नीचे एक लेस भी दी हुई है, आप चाहे तो उसको निकाल सकते हैं या चाहे तो आप इसे लगा भी सकते हैं। ये है इसका फ्रंट पार्ट और ये है इसका बैक वाला पार्ट, और इसी में हमें बाजू का भी कपड़ा दिया हुआ है। तो इसको हम देखिए सबसे पहले बीच में से ऐसे करके फोल्ड करेंगे, जैसे हम नॉर्मल अपने सूट्स को करते हैं। और पहले आप अपना मेन फैब्रिक ही कट करेंगे, उसके बाद में हम अपना लाइनिंग कट करेंगे। तो इसका जो नेक वाला पार्ट है, उसको बिल्कुल ऐसे मिला करके बिछा लीजिए और नीचे से भी आपको इसे इस तरीके से मिला लेना है। देखिए, एकदम सा अकड़ा सा रह रहा है, इसको बहुत ही ये उठा उठा सा रहता है, तो इसको बहुत ही सही तरीके से आपको पहले तो बिछा लेना है। और आप चाहे तो यहां पर एक प्रेस कर लें, जिससे कि इसका सेंटर आपको पता रहेगा। तो प्रेस को मैंने गर्म कर लिया है और बहुत ही ध्यान से करना है इसे। तो प्रेस करने के बाद जो आपका कपड़ा है वो एकदम से सेट हो जाएगा और कहीं पे भी हिलेगा डुलेगा नहीं, यानी कि इसका जो सेंटर है वो आपको बिल्कुल ठीक तरीके से मिल जाएगा। अब इसके हम मेजरमेंट्स के निशान लगाएंगे। तो इसकी लंबाई हमें रखनी है तकरीबन 40 से 41 इंच, तो यहाँ पर टोटल लंबाई हमारी उतनी ही आ रही है। तो ऊपर से ये जो हमारा केवल देखें किनारी वाला पार्ट है, इसको हम हटा देंगे और यहां से नीचे से बिल्कुल ये हमारी ठीक लंबाई है और नीचे से हमारी फिनिशिंग भी हो रखी है लेस के साथ। तो हम नीचे से इसको इतना ही रखेंगे। इसकी जो लंबाई आ रही है वो तकरीबन 41 इंच आ रही है, बनने के बाद ये हमारी 40 यानी कि 40 इंच आ जाएगी। अब यहां पर हम तीर का नाप लगाएंगे सबसे पहले। तो तीरा हमें रखना है यहाँ पर 6 इंच और नेक की जो चौड़ाई रहेगी वो रहेगी हमारे पास 3 इंच। आर्म होल लेंथ के लिए नाप लगाएंगे हम 6.5 इंच पर और इस निशान को ऊपर से मिला देंगे। तो पहले हम सारी लंबाइयों के निशान लगाएंगे। अभी हमने आर्म होल लेंथ का नाप लगा लिया, अब हम अपनी कमर के लिए नाप लगाएंगे ऊपर से 13 इंच पर और ऊपर से 19.5 इंच पर हम हिप के लिए नाप लगाएंगे। इन निशानों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए। तो ये लग गए हमारी लंबाइयों के निशान। अब हम अपनी गोलाइयों के नाप लगाएंगे। तो चेस्ट जो है हमारे पास, सबसे पहले चेस्ट का नाप लगेगा, वेस्ट और उसके बाद हिप। तो चेस्ट जो है हमारे पास वो है हमारा तकरीबन 36 इंच, उसका 1/4 भाग निकालना है आपको, तो हमारे पास 9 इंच आ जाएगा। ऐसे ही कमर का भी 1/4 भाग निकालेंगे, 30 का 1/4 भाग आएगा हमारे पास 7.5 इंच, यानी कि आपकी जो भी कमर है उसको आप 4 से डिवाइड कर दीजिए और 9 इंच हमारा हिप आएगा। अब इन निशानों को आप मिला लीजिए इस तरीके से गुलाई से और नीचे घेरे के लिए नाप लगाएंगे। घेरा में रखना है 10 इंच का, यानी कि पूरा 40 इंच का ये तैयार घेरा आएगा। आप चाहे तो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है, घेरे को और ज्यादा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये बाद में ढीला टाइप कुछ नहीं होता है। तो ये आप एकदम एग्जैक्ट नाप का बनाएंगे जितना आपका रहता है।
हमारी फिटिंग का नाप हो गया। अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे 1.5 इंच का। तो बाहर वाला जो निशान है हमारा, इस पर हम कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम आर्मोल की गुलाई देंगे। इसमें हम अपने देखिए फ्रंट एंड बैक पार्ट दोनों अलग अलग ही काट कर कटिंग करेंगे, क्योंकि बहुत ही फिसलने वाला कपड़ा होता है। तो इसको देखिए आर्मोल की गुलाई दे दी है मैंने, और यहाँ से हल्का सा कंधे को भी डाउन करेंगे। तो ये हो गए हमारे सारे निशान लग चुके हैं। अब इन पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग हो गया हमारा मेन कपड़ा। अब इसी को रखते हुए हम अपने लाइनिंग की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम अपने बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। लाइनिंग वाले कपड़े को देखिए हमने 4 तहों में इस तरीके से बिछा लिया है, ये 2 और ये 2 हो गई। तो हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों पल्ले एक साथ ही निकलने वाले हैं। इसको इस तरीके से बिछाने के बाद आप अपना मेन कपड़ा इसके ऊपर इस तरीके से रख लीजिए, और ऊपर से देखिए काफी ज्यादा हमारा आड़ा कपड़ा है। तो पहले आप एक सीधी लाइन बना लीजिए जहां से भी आपका कपड़ा सीधा आ रहा हो। ये देखिए यहां से एक सीधी लाइन बना लीजिए, और इसके नीचे से आपको अपना ये कमीज का कपड़ा रखना है। देखिए फोल्ड वाला साइड आपका फोल्ड वाली साइड की तरफ ही होना चाहिए। अब यहाँ पर हमें सेम एज इट इज कटिंग कर लेनी है, क्योंकि हमारा दोनों फ्रंट एंड बैक एक साथ कट हो रहा है। तो आपको आर्म होल 1/2 इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके रखना होगा। उसके बाद में फ्रंट वाला पार्ट अलग करके हम थोड़ी सी गहराई करेंगे, और जो हमारा अस्तर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है, तकरीबन 1.5 इंच या 2 इंच तक आप छोटा रख सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर इसको, ये हमारा मेन कपड़ा है, यहां से हम इसको 2 इंच छोटा रखेंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। और सिलाई में भी ये हमारा 1 इंच तक मुड़ जाएगा, तो ये हमारा 2.5 इंच यहाँ पर छोटा हो जाएगा। ये हमारा कटिंग का निशान है। अब जैसे हमने अपना सूट कटिंग किया था बिल्कुल वैसे ही कट कर लेंगे। बिल्कुल 2 चीजों का ध्यान रखना है, आर्मोल आपको एक्स्ट्रा रखना है, और थोड़ी सी लंबाई आपके अस्तर की छोटी होगी। देखिए सूट की कटिंग हमने कर ली है। इसके बाद में हम अपने सारे पार्ट्स पर कट्स भी लगा लेंगे, जहाँ जहाँ पर हमारा ये हिप वेस्ट और नेक वाला पार्ट है। और देखिए इसको कटिंग करने के बाद अब मैं अपना ये फ्रंट वाला पार्ट अलग कर रही हूँ, और इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा गहराई देंगे। तो देखिए हमारे अस्तर वाले फैब्रिक भी कट हो गए हैं। अब हमें अपना बैक वाला पल्ला कट करना है, तो इसको भी बिल्कुल वैसे ही बिछाते हुए इसके ऊपर हम कुर्ती रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। आर्मोल को बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है आपने, और नीचे से फोल्डिंग के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है। इसको भी प्रेस करके हमने देखें सेट कर लिया है। अब आप अपना फ्रंट वाला कपड़ा ले लीजिए, और इसके ऊपर आपको इस तरीके से रखना है। देखें फोल्ड वाला साइड फोल्ड वाली साइड की तरफ रहेगा, और ऊपर से इसको इस तरीके से कट करते जाएंगे जैसे कि आपका जो बैक वाला आर्म होल है वो एक्स्ट्रा रहेगा, और नीचे से लेंथ भी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसे हमें मोड़ना है थोड़ा बहुत, जो कि हमारा सिलाई में जो कि हम तुरपाई करते हैं बाद में, क्योंकि नीचे यहाँ पर कोई भी लेस वगैरह नहीं लगी हुई। तो बैक वाले पार्ट को आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना होगा। तो ये हमारे दोनों पार्ट देखिए इस तरीके से कट हो गए हैं, और हमारे लाइनिंग वाले पार्ट भी ये देखिए कट हो गए हैं। अब ये जो हमारा बाकी का बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम अपनी बाजुओं की कटिंग करने वाले हैं। सॉरी, ये वाला जो कपड़ा है सीधा, यहाँ पर से हम अपनी बाजू की कटिंग करेंगे, और इसमें हम पफ स्लीव्स बनाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा फैशन में है, बहुत ही सुंदर लगेगी। सबसे पहले आपको इसे सेट करके रख लेना है। अपना फ्रंट वाला जो आर्मोल वाला हिस्सा है वो आपको फ्रंट वाले के साथ रखना है। ये हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है, इसको आपको इसके साथ मिला करके रख देना है, जिससे कि बाद में कंफ्यूजन ना हो और इसको सिलाई आप बहुत ही आसानी से कर सके। इसको भी ऐसे मिला करके रख लीजिए। ये देखिए ज्यादा वाला आर्मोल हमेशा आपका बैक वाला पार्ट होगा, तो ये हमारा बैक हो जाएगा, ये हमारा फ्रंट हो जाएगा। और इसकी सिलाई भी बहुत ही आसान है। अब जैसे हम सिंपल अपना अस्तर लगाते हैं अपने मेन कपड़े के साथ, बिल्कुल वैसे ही लगा करके अपना सारी नॉर्मल सूट की तरह आपको इसे स्टिच करना है। तो ये देखिए हमने अपनी स्लीव्स यानी कि बाजू की कटिंग भी कर ली है। ये हमारी पफ स्लीव्स की कटिंग है। इसकी फुल कटिंग एंड स्टिचिंग डिटेल में आपको देखनी है तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
और यहाँ पर हमने अपना फ्रंट बैक और स्लीव सारे पार्ट्स कटिंग कर लिए हैं अपनी कुर्ती के विद लाइनिंग। सो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है वो भी आप लोग डेफिनेटली फॉलो कर सकते हैं इस तरीके की कुर्ती कटिंग करने में। इस टाइप के ड्रेसेस आप फ्रॉक कुछ किसी पे भी बना सकते हैं, लाइक ऑर्गेन्जा मटेरियल आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, इसकी साड़ियाँ ड्रेसेस कुर्तीज बहुत ही ज्यादा फैशन में चल रहे हैं, तो आप क्यों पीछे रहेंगे। जरूर आप लोग अपने घर बैठे बनाएं इस तरीके से। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। पसंद आया हो वीडियो तो इसको लाइक करना ना भूलें एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।